आजा नारायण दास ओम मंगलम मंगलम स्वाहा शादी हो गई। वैसे शादी करवाने वाले हम कौन है ये तो शक्ति और पद्मा का प्यार नहीं तो और क्या है अरे आपको क्या है आ? आपको क्या है मेरा तो सोने का अंडा देने वाला मुर्गा ही हलाल हो गया चलिए कोई बात नहीं वादे के मुताबिक जो लाख रुपया बोला था वो तो निकालिए फटाफट चलिए कौन से एक लाख कौन से एक लाख मैंने मेरे कवारे बेटे की जवानी का सौदा जो किया था एक लाख में वो एक लाख चलिए फटाफट निकालिए मैंने लाख रूपए नी पचास हजार के वा, 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 वा। मुरब्बे वाला चूचू समझा आपने साफ साफ एक लाख रुपया देने का कहा था हाँ हा? वहां पे शाइना की आवाज उतरी थी कि आपने शायद सुना नहीं होगा कि आपने क्या बक दिया चलिए निकालिए नारायण दास मुझे उल्लू बनाओ उल्लू समझो मत वरना बिना फाटक के रेलवे लाइन पे ले जाके लिटा दूंगा एक जगह नारायण कटेगा दूसरी जगह दास <laughs> मेरी उम्र का टका रहा है जीजा जी जवान लड़कियों की तरह याददास ने भी अब मेरे से मुंह मोड लिया है बराबर है आपने मुझे कहा था पचास हजार देंगे बराबर है पचास हजार देंगे मैंने पांच कहा था पांच कमीने नारायण दास नहीं रामनगर वाले जो आपकी कदार नहीं करते अगले चुनाव में अपने नए हीरो रवि को खड़ा करने वाले सामने। क्या बकवास कर रहे हैं आप तैयार हो जाइए जीजा जी रवि बनेगा नया सरपंच और आके मारेगा आपके सर पे पंच ऐसा मैं होने नहीं दूंगा नारायण दास शायद भूल गया कि रवि की सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारी ताकत है तेरे और तेरे बेटे के जरिए उसे इतना तड़पाऊंगा कि रवि मजबूर होकर चुनाव से अपना नाम वापस ले लेगा जाओ नारायण दास रवि की बहन पर इतना जुल्म करो कि उसके पुरखों की आत्मा तक कांप उठे जाओ